So you can find best programming educators in the world, in the country, who have come together to give you top class learning content uh, around DS and ADA. Okay, so this is one of the playlists that I want to show you. It is about Dynamic Programming Master Course by Sanket Singh. So in this playlist, you can see uh, various courses related to dynamic programming. In just two hours, you can learn a lot of...

पॉलीमॉर्फिज़म का मतलब होता है वन नेम मैनी फंक्शन या फिर एक ही चीज के बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होना सो इट मीन्स मैनी फॉर्म्स द मोस्ट कॉमन यूज़ अकर्स व्हेन ए पेरेंट क्लास रेफरेंस इज़ यूज टू रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ठीक है सो ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट पॉलीमॉर्फिज्म जनरली क्या होता है इट मीन्स वन नेम एंड मैनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ सो so, अगर पॉलीमॉरफिज़म हमारा कंपाइलर के टाइम पे कंपाइल टाइम पे ही रिज़ोल्व होता है तो हम उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम या फिर स्टैटिक पॉलीमॉरफिज़म और अगर वो हमारा रन टाइम के ऊपर रिजॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉरफिज़म जिसका एक एग्ज़ाम्पल है डायनेमिक मैथड डिस्पैच या मैथड ओवर तो दो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमॉरफिज़म होते हैं कंपाइल टाइम एंड रन टाइम सो कंपाइल टाइम कौन सा है जैसे कि मैंने बताया अगर कंपाइलर के टाइम पे ही कंपाइलेशन के टाइम पे ही रिज़ोल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम और अगर रन टाइम पे रिजॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम तो एग्ज़ाम्पल इसके जो हैं कंपाइल टाइम का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल देना है मैथड ओवरलोडिंग का ठीक है और अगर रन टाइम का एग्ज़ाम्पल है तो आपको एग्ज़ाम्पल देना है मेथड ओवरराइडिंग का So, दोनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं यहां पे। सो so, सबसे पहले देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का जो कि कंपाइल टाइम है तो कैसे होगा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आपको पूरा प्रोग्राम लिखना होगा एक एग्जाम्स के केस में सो लेटेस्ट से हमारे पास अगर एक फंक्शन है वॉयड एम वन यहां पर मैंने प्रिंट कराया हुआ है एम वन ठीक है इसी क्लास में अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ वाइड एम वन बट मैं इसके अंदर एक पैरामीटर दे देता हूँ इंट आई और अब मैं प्रिंट कराता हूँ आई की वैल्यू तो ये मेथड ओवरलोडिंग है ओवरलोडिंग कैसे हुई क्योंकि दोनों मेथड्स का जो नेम है वो सेम है क्या है एम वन बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है तो ये वाला जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाएगा कैसे रिजॉल्व होगा अब देखो जब फंक्शन की कॉलिंग होगी सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन फंक्शंस कॉलिंग अकर तो कैसे होगी कॉलिंग अगर आपने कॉल किया फंक्शन को इस तरह से एम वन तो कंपाइलर को पता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है जो बिना आर्ग्यूमेंट के तो बिना आर्ग्यूमेंट के कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये वाला यानी आउटपुट क्या आएगा इस केस में एम वन और अगर आपने कॉल किया ऐसे एम वन टेन तो कंपाइलर को पता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन कॉल करना है जिसमें एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है तो वो कौन सा कॉल होगा ये वाला तो आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस में आई की वैल्यू जो क्या पास करी हमने टेन सो so, इस तरह से तो कॉलिंग के टाइम पे ही हमें पता है फंक्शन की कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा इसलिए हम उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है सो लेट अस सी सेकेंड एग्जाम्पल जो कि है रन टाइम का जिसको हम बोलते हैं मेथड ओवर से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सो मेथड ओवर क्या होती है अस से एक क्लास है क्लास ए इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है वॉइड एम वन ठीक है और इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक क्लास बनाई क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हमने अब हमने एक और क्लास बनाई क्लास बी और क्लास ए को हमने इनहेरिट कर लिया एक्सटेंड्स ए और इसके अंदर भी मैंने क्या करा मैंने एक फंक्शन बनाया void एम वन और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज प्रिंट करा दी अब जब आप इसको कॉल call करोगे कॉलिंग का देखो पर्पस क्या है यहाँ पे आप किस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा अगर आप देखो मैं बनाता हूँ ए क्लास का ऑब्जेक्ट और मैं इसको इस तरह से करता हूँ ए डॉट एम वन तो अब कंपाइल टाइम पे नहीं पता लग रहा है ये रन टाइम पे बात जा रही हो कि ऑब्जेक्ट जो हैं रन टाइम इंस्टेंसेस एक तरह से होते हैं सो so, अब इसने देखा कि किसके ऑब्जेक्ट ने कॉल किया ए ने तो ये किसके पास जाएगा इस वाले मेथड के पास अगर हम इस तरह से बना रहे हैं अब देखो ध्यान से देखना इसमें डायनेमिक मैथड डिस्पैच भी आता है हमारे पास अगर मैं बना रहा हूँ इसको इस तरह से ए वन इक्वल्स टू न्यू बी वेरिएबल है क्लास ए का बट इंस्टेंस मैंने दिया बी का और अब मैं कॉल कर रहा हूँ ए वन डॉट एम वन तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल तो है क्लास ए का बट इंस्टेंस किसका पास हुआ क्लास बी का तो यानी कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये वाला सो so ये मेथड देखो ओवर भी हुआ यहाँ पे और इसको ही हम बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा और इसमें हमने दोनों डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल्स भी देख लिया है अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि इनर क्लास के ऊपर बेस्ड है तो इनर क्लास क्या होती है जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि किसी के अंदर होगी ये क्लास सो इट इज ए क्लास विच इज़ ए मेंबर ऑफ अनदर क्लास मतलब क्लास के अंदर एक और क्लास तो उसको हम बोलते हैं इनर क्लास ठीक है सो so, अब देखो इनर क्लास का अगर कुछ एडवांटेजेस की बात करें हम या पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर कैसे होता है तो कैसे होता है कि एक अगर हमने सपोज तो क्लास बनाई क्लास ए और इसी के अंदर मैंने अगर एक और क्लास बना दी क्लास बी तो ये जो क्लास बी है ये कहलाएगी इनर क्लास ठीक है सो दिस क्लास बी इज़ इनर क्लास ठीक है अब देखो इसका फायदा क्या है सबसे बड़ा जो फायदा है इसका दैट इट कैन एक्सेस इट कैन एक्सेस ऑल द मेम्बर्स ऑफ द आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स सो इट कैन एक्सेस ऑल द मेम्बर्स ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इनर क्लास का ठीक है और इसका एडवांटेज है इट इज़ यूज टू डेवलप मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड क्योंकि हम करते क्या हैं बेसिकली इनर क्लास के थ्रू विल ग्रुप क्लासेस एंड इंटरफ़ेसेस इन वन प्लेस सो ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस एंड इंटरफ़ेसेस कैन बी डन ठीक है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आ, इसके ही मेथड्स हो सकते हैं आपके पास इसके भी मेथड्स हो सकते हैं क्लास ए के क्लास बी के भी मेथड्स हो सकते हैं तो यहाँ पे इसके मेंबर्स होंगे क्लास ए के और यहाँ पे क्लास बी के भी मेंबर्स हो सकते हैं ठीक है सो दिस इज इनर क्लास अब कितने टाइप की इनर क्लासेस होती हैं देर आर मैनी इनर क्लासेज लाइक मेम्बर इनर क्लास एनोनिमस इनर क्लास लोकल इनर क्लास सो so, उस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो टॉपिक हम किसी और क्वेश्चन में कवर करेंगे सो बेसिकली इनर क्लास हमें समझ में आ गई क्या होती है अब इनर क्लास और सब क्लास का डिफरेंस पूछा गया है तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आपको पता लगे कि क्या होता है तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ इस तरह से क्लास आउटर और इसी क्लास के अंदर अगर मैंने एक क्लास बनाई हुई है क्लास इनर तो ये एग्जाम्पल तो हो गया इनर क्लास का एंड दे आर इन द सेम फाइल एक ही फाइल के अंदर हम इसको बनाते हैं जनरली ऐसा नहीं है कि बट डिफरेंट फाइल में हो सकता है होगा हमेशा सेम फाइल में ही। ये मैंडेटरी है ठीक है दे आर इन द सेम फाइल नाउ सब क्लास की जब बात आती है तो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की एंड दे कैन बी इन अदर फाइल आप दूसरी फाइल के अंदर भी सब क्लास को क्रिएट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि उसी फाइल में से आपको क्रिएट करना है एंड इट इन्हेरिट्स मैथड्स फ्राम द पेरेंट क्लास बनाते कैसे लेटस से एक क्लास है क्लास ए और एक क्लास मैंने बनाई क्लास बी और मैं अब इसको इनहेरिट कर रहा हूँ एक्सटेंड्स ए करके तो ये जो क्लास बी बनी है हमारी दिस क्लास बी इज सब क्लास ये जो क्लास बी है वो एक सब क्लास बनी है और ये जो एक है इसको हम बोलते हैं जनरली सुपर या पेरेंट क्लास ठीक है जे डी बी सी एंड वॉट आर द मेन स्टेप्स इन जावा टू मेक जे डी बी सी कनेक्टिविटी तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जे डी बी सी होता है क्या उसका हम देखेंगे जो इसके स्टेप्स हैं डाटा बेस से कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली पाँच स्टेप्स हैं उन पाँचों को हम कवर करेंगे सो जे डी बी सी क्या होता है इट इज जावा डाटा बेस कनेक्टिविटी एंड इट इज़ एन ए पी आई विच इज़ यूज टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद द डेटा बेस एंड एग्जीक्यूट क्यूरीज तो ये एक एपीआई है जिसकी मदद से जो जावा की एप्लीकेशन हैं वो डाटा से कनेक्शन बनाती हैं ताकि आप उसके अंदर कुछ डाटा को एक्सेस कर सको और उसके ऊपर कुछ क्यूरीज को रन कर सको ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ जे डी बी सी सी डायग्राम किस तरह से ये काम करता है तो बेसिकली हमारे पास होता क्या यहाँ पे हमारे पास जावा की एप्लीकेशन है ठीक है सो वी हैव एन जावा एप्लीकेशन हेयर अब हमारे को क्या करना है इस जावा के एप्लीकेशन को एक डाटा बेस से कनेक्ट करना है तो लेटेस्ट से हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा बेस है और ये डाटा बेस कोई सा भी हो सकता है और कल माई एच क्यूएल मोंगो डीवी डिफरेंट तो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जे डी बी सी का एक ड्राइवर होता है वी हैव एन जे डी बी सी ड्राइवर ठीक है और एक जे का ए होता है जो इस सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है जैसे कि जे ड्राइवर एंड अदर थिंग्स सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ जे डिफरेंट टाइप्स के जे ड्राइवर्स होते हैं uh, मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के जे के ड्राइवर हैं सो बेसिकली वी हैव दिस जे डी ब्रिज ड्राइवर जे डी ब्रिज ड्राइवर देन वी हैव थिन ड्राइवर नेटिव ड्राइवर एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर तो ये चार डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स होते हैं जावा में सो नाउ यू विल सी द स्टेप्स जो स्टेप्स हैं कनेक्ट करने के विद द जे डी बी सी सो पाँच स्टेप्स होते हैं जे डी बी सी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला होता है वी हैव टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास और हर उसमें एक डिफरेंट फंक्शन या इंटरफेस का यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहला क्या है वी हैव टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास और उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसका नाम है फॉर नेम फंक्शन so for name function is used for the purpose ठीक है so अब इसको लिखते कैसे है? मैं आपको बताता हूँ एक बार example आप सबका साथ साथ बताओगे exams में तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे java में so now let us write the example लिखते कैसे है? देखो so it is write like this class dot for name और जो ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हो आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करोगे अपनी क्लास का सो अस से मैं कर रहा हूँ औरकल के साथ तो ओरेकल डॉट जे डी तो बी सी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर ठीक है अब ये जो हमने इसके अंदर लिखा है ये एक सिंटेक्स है औरकल के साथ कनेक्ट करने के लिए माई स्केल के लिए दूसरा होगा या किसी और डाटा के लिए डिफरेंट हो सकता है तो आपको उसमें नहीं जाना कि क्या है ये इन बिल्ड होते हैं जो जे के ड्राइवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सो इस तरह से आपको इसको यूज करना है ये क्लास है और ये उसका मेथड है ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप रजिस्टर द ड्राइवर क्लास नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट सो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है गेट कनेक्शन फंक्शन सो गेट कनेक्शन फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट और जिस क्लास के थ्रू ये होता है उसका नाम है ड्राइवर मैनेजर सो लिखते कैसे हैं काफ़ी लंबा होगा तो मैं आपको लिख के दाता हूँ सो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने लेटे से सी ओ एन then we have to use the method get connection which is present in class driver manager so driver manager dot get connection इसके अंदर आपको पास करना है अपना डेटाबेस का कंप्लीट यूआरएल ठीक है सो लेट अस से मेरा यूआरएल कुछ इस तरह से है jdbc oracle थिन एट द रेट लोकल होस्ट एंड सम पोर्ट नंबर लेटेस से वन फाइव टू वन कुछ भी हो सकता है मेरा है, कुछ इस तरह से देन उसके बाद है यूज़र नेम तो लेटेस से यूजर नेम एंड पासवर्ड ये यूजर नेम और पासवर्ड किसके हैं आपके डेटा के हैं ये इसका जावा से कोई लिंक नहीं है ये क्या है पहली चीज दिस इज़ दी यू आर एल ऑफ द डेटाबेस ये यह क्या है डेटाबेस में कनेक्ट करने का यूजर नेम और यह क्या है डेटाबेस में कनेक्ट करने का पासवर्ड सो so, इस तरह से हम क्या करते हैं कनेक्शन को क्रिएट करते हैं सो सेकंड स्टेप इज डन सेकंड स्टेप क्या था क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट देन द थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ठीक है बेसिकली स्टेटमेंट से क्या होता है स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से ही हम एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरीज को सो so, स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है क्रिएट स्टेटमेंट सो क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन इज यूज और ये जो क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन है वो किस क्लास का सॉरी uh, किस इंटरफेस का है कनेक्शन इंटरफेस का है सो so, लिखते कैसे हैं सिंपल है इसका लिखना बहुत सिंपल है स्टेटमेंट uh, इसका ऑब्जेक्ट लेटर्स एच टी एम टी इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दैट इज सी ओ एन डॉट फंक्शन यूज करना है क्रिएट स्टेटमेंट सो सिंपल क्रिएट स्टेटमेंट सो इस तरह से हमने अभी क्या कर लिया एक स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया देन द फोर्थ स्टेप इज एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज एग्जीक्यूटिंग क्यूरी अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो सिंपल फंक्शन है दैट इज एग्जीक्यूट क्यूरी और ये जो एग्जीक्यूट क्यूरी फंक्शन है वो किस क्लास का है किस इंटरफेस का है स्टेटमेंट इंटरफेस का है ठीक है so, सो तभी मैंने कहा कि स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट कर रहे तो हो तो आप उससे क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हो तो अब देखो करेंगे कैसे अब उसके लिए क्या करना होगा एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरीज को वी हैव टू स्टोर द डेटा इन सम रिजल्ट सेट तो क्या करना है रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेटस से आर एस अब यहाँ पे क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे हम कैसे करेंगे एस टी एम टी इसका ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी और इसके अंदर आप कोई भी एक एस एल की क्यूरी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी मतलब एम्प्लॉय टेबल से डेटा को लेके आना अब होगा क्या इससे एम्प्लॉय टेबल से डेटा आगे किसके अंदर सेव हो जाएगा इस रिजल्ट सेट आर एस के अंदर अब वो आगे की बात है कि कैसे हम उसको प्रिंट करते हैं बट दिस इज द फोर्थ स्टेप विच इज एग्जीक्यूटिंग क्यूरी एंड द फाइनल स्टेप एंड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज क्लोजिंग द कनेक्शन तो कैसे क्लोज करोगे कनेक्शन डॉट क्लोज यू कैन क्लोज फॉर स्टेटमेंट ऑल्सो एंड रिजल्ट सेट ऑल्सो बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्शन सो ये था पूरा जे डी बी सी के स्टेप्स जो जे डी बी सी से कनेक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कैर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स थैंक यू